तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो उसमें हमने एक ट्रिक देखी थी कि अगर हमको डायरेक्टली नहीं पता चल पा रहा है कि कौन से रजिस्टर सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, तो क्या ट्रिक यूज करनी है। जनरली सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर आएंगे, या तो आपको पता होगा पहले से कि कौन सीरीज कौन पैरेलल, उतना आसान देता नहीं है जनरली वो। तो दूसरा क्या है, आपको ट्रिक का यूज करके उसको सॉल्व करना है। तो ट्रिक क्या थी, सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं उसके नाम दो, ठीक है। मतलब कोई भी रजिस्टर सर्किट में, मान लो पांच रजिस्टर है, तो वो पांचों रजिस्टर किन पॉइंट्स के बीच में है, उन पॉइंट्स के नाम दो। और दो पॉइंट्स का नाम आपको सेम देना है इफ दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। तो अगर एक का नाम आपने ए पॉइंट दिया, दूसरे का भी ए ए ए ए ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सारे पॉइंट्स के नाम आपने दे दिए। नाम देने का मतलब आप पोटेंशियल की ही बात कर रहे हैं, तो जहां जहां पोटेंशियल सेम उन पॉइंट्स को आप सेम नाम दे रहे हैं, जहां पोटेंशियल अलग वो अलग पॉइंट हो गया आपका। तो कल हमने जो पढ़ा था उसमें ज्यादा से ज्यादा आपके कितने पॉइंट्स थे, तीन पॉइंट्स थे। तो ऐसे में कैसे करते हैं हम लोग, जिन पॉइंट्स के बीच में निकालना उनको सबसे दूर बनाते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और जो अलग पॉइंट्स हैं, जो उन दोनों के से अलग है, मतलब जिनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना, उन दोनों से अलग जो पॉइंट्स हैं उनको बीच में बनाते हैं, ठीक है। जब थर्ड पॉइंट है जो सी, ठीक है। और ऐसे अगर दो और पॉइंट है सी और डी, तो उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है, मैंने कल बताया था। क्या होता है वो आज देखेंगे, और कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं वो भी आज देखेंगे। तो कल हमने सिर्फ दो पॉइंट्स का पढ़ा था या तीन पॉइंट्स का पढ़ा था, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन कैसे भी आए कर लोगे उसको सॉल्व। तो एक क्वेश्चन ये वाला शायद कर ना चुके हो, अगर कर चुके होंगे तो देख लेना, मत नोट करना। अगर कर चुके, मुझे याद नहीं है कर चुके हैं कि नहीं। तो ये ए ये बी क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आर 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 है, ठीक है। अपनी नोटबुक में ट्राई करो और आंसर बताओ, अगर नहीं हुआ है तो, अगर हो गया तो कोई बात नहीं। तो कैसे करना है ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट, अच्छा आपको डायरेक्टली देखने पे पता चल रहा है क्या कौन सीरीज कौन पैरेलल, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे देखो एक दूसरे को वो कर रही है, क्रॉस कर रही है, ध्यान देना। कल एक क्वेश्चन हमने किया था ऊपर से जा रही थी वो, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये ए पॉइंट, तो ये भी क्या होगा ए, ये ए तो ये भी है, क्यों, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। एक वायर से कनेक्ट जब भी करते हैं तो सेम पोटेंशियल होता है हर पॉइंट पे, आपको पता होगा ये बात। अब देखो क्या जितने भी रजिस्टर्स हमारे पास हैं, मतलब चारों रजिस्टर्स, क्या सब कौन से पॉइंट्स के बीच में है वो सब हमको मिल गया। तो चारों के चार अगर आप गौर से देखें, सब के सब ए और बी पॉइंट्स के बीच में है। तो सब के सब ए और बी पॉइंट्स के बीच में, इसका मतलब क्या है, क्या सब के सब आपस में पैरेलल होंगे, बिल्कुल। तो स्टेप क्या है, जिनके बीच में निकालना उनको सबसे दूर ड्रॉ करो। अगर कोई और पॉइंट भी है ए बी के अलावा, सी या डी, उसको भी ड्रॉ करो, पर यहाँ पे तो कोई और पॉइंट है ही नहीं, तो एकदम आसान हो गया। अब अगला काम क्या, सारे रजिस्टर्स को उन पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ करो जो आपको डायग्राम में मिले हैं। तो ये आर चारों ए और बी के बीच में है, तो आधे लोग गलती करते हैं उनको सीरीज में बनाते हैं, नहीं, चारों जब दो पॉइंट्स के बीच में है मतलब सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो सारे पैरेलल में होंगे ना, ठीक। तो चारों पैरेलल, तो आर 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 पैरेलल, तो इक्विवेलेंट विल बी आर बाय फोर। आया समझ, चल आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट, और स्पेशली मेंस और एडवांस, इसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। नीट वाले भी ध्यान देंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन दिखेंगे उनको। इनफाइनाइट लेडर, ठीक है, टॉपिक बना के भी कर सकते हैं इनफाइनाइट लेडर, ठीक। अब ध्यान से सुनो, कोई नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, तो कैसे करना ध्यान से देखो। ये एक रजिस्टेंस है आर, ये एक रजिस्टेंस है आर, ये एक रेजिस्टेंस है आर, ये एक रेजिस्टेंस है आर, और फिर ऐसे चलते जा रहा है कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये दो पॉइंट्स है ए और बी। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है।
अगर किसी को समझ में आ रहा है तो एक बार ट्राई करो, पर मुश्किल है क्योंकि आप लोगों के लिए एकदम नया कंसेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन है, अगर ये ऐसा इनफाइनाइट चलता जा रहा है, मतलब आर 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 ऐसा इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में बताओ कितनी होगी। अब ऐसा थोड़ी ना करते बैठोगे, इन्फिनिटी से चालू हो जाओगे, इन्फिनिटी वाले जो आर आर होंगे वो सीरीज, फिर वो आप आगे पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, ऐसे करते जाओगे। ठीक है, तो ऐसे सदियां बीत जाएंगी, सोल्व ही नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो तरीका क्या है इसका, एक ही कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। इनफाइनाइट लैडर के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एचसी वर्मा में, आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे इसके, सब एक ही आपको उससे करने हैं मेथड से। तो मेथड क्या, आप ध्यान से सुनो। देखो तुम्हारा जो सर्किट है वो रिपीट करना कहां से स्टार्ट कर रहा है, ध्यान से देखो, एकदम एग्जैक्टली रिपीट करना कहां से स्टार्ट कर रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको यहां से काट दूं, ठीक, क्या वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करेगा? देखो जैसा यहां पे है वैसे यहां से स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो क्या एकदम ऐसी चीज यहां के आगे भी मिलेगी, है ना। तो अगर मैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ एक्स मानता हूं, ठीक है, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट अगर मैं एक्स कंसिडर करता हूं, तो मेरा एक सवाल है, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, मतलब ए और बी के बीच में मैं इक्विवेलेंट कितना बोल रहा हूं, एक्स। तो अगर मैं यहां से पूरा सर्किट उड़ा देता हूं, ठीक है, कैसे उड़ाना, ध्यान से सुनना, देखो कहां से सर्किट अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, आधे बोलेंगे सर यहां से उड़ाओ, पर रिपीट तो यहीं से स्टार्ट हो गया ना, समझ रहे हो। तो यहां से जब आप उड़ाओगे तो देखो इसके बाद ये आर ऐसा ही तो है सेम, फिर आर आर सेम ऐसा, ठीक है। तो जहां से अपने आप को वो रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है वहां से सर्किट को उड़ाओ, उड़ाया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे कि जहां से जब आपने ये उड़ाया, तो अगर मैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट आर या एक्स बोलता हूं, तो यहां से उड़ाने के बाद भी तो आपका कुछ ऐसा होगा। देखो ध्यान से, ये आर ये ए ये बी, यहां तक समझ में आया। उसके बाद मैंने उसको पूरे को उड़ा दिया, तो जब मैंने उसके बाद पूरे को उड़ा दिया, तो अगर मैं बोलता हूं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट एक्स है, तो यहां से उड़ाने के बाद भी तो एक्स ही बचेगी आपकी, ये ध्यान से देखो। अगर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट में एक्स वाई जेड कुछ भी ओम अगर आप रेजिस्टेंस मानते हो, तो मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सोचना और उस पर विचार करना। क्वेश्चन क्या है मेरा, कि जब आप इस सर्किट को उड़ाओगे, कैसे उड़ाया समझ में आ रहा, जहां से वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट किया वहां से आपने उड़ा दिया, ठीक। तो जब वह उसको उड़ाओगे, तो क्या उस पूरे को आप एक एक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते, सुनना, क्या यहां से उड़ाने के बाद इस पूरे को, यहां से लेके आगे तक इस पूरे को क्या आप एक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। क्यों? क्योंकि इस पूरे को तो आप एक्स से कर रहे हैं ना रिप्लेस। इक्विवेलेंट का मतलब ही क्या है, सारे रजिस्टर्स को आप एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर रहे हैं, बराबर। तो आप इस पूरे को यहां से लेके लास्ट तक पूरे को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स से, क्योंकि आपने आर इक्विवेलेंट एक्स माना। अब यहां तक समझ में आ रहा है? तो जब यहां से उड़ाओगे ये पूरा, तो ये भी तो यही है, इन्फिनिटी में से आपने एक ब्रांच हटा दी, एक ब्रांच छोड़ के बाकी सब हटा दिया, इन्फिनिटी तो बचाओ। तो जैसा यहां से आगे की तरफ है वैसे यहां से आगे की तरफ है, वो एकदम वही बात है, बुक्स में लिखी भी हुई है, ये एकदम वैसी बात है कि आप इतने बड़े समुद्र में से एक लोटा पानी ले लें। लोटा पता है ना, लोटा नहीं, लोटा पता होगा ना सबको, या कुछ भी मान लो एक बर्तन जो है वो पानी का आपने भर लिया एक समुद्र में से, तो क्या समुद्र के पानी में कुछ कमी आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसमें भी वही है, इनफाइनाइट लैडर में आप ये छोड़ दो, तो यहां से जो है आगे सेम ही तो है, इनफाइनाइट है ना वो। ऐसा होता कि 6 ब्रांचेज आपने एक हटा दी, 5 बची, तब तो फर्क पड़ता है। इनफाइनाइट में से आपने ये हटा दिया, बाकी सब ये तो हूबहू वही है ना जो यहां पे है, ठीक। तो फिर से देखो मैं बोल क्या रहा हूं, कि इनफाइनाइट लैडर में आपने क्या किया, देखो सिमिट्री कहां से स्टार्ट, मतलब सर्किट अपने आपको रिपीट करना कहां से स्टार्ट किया, तो यहां से स्टार्ट किया, बराबर। तो यहां से पूरे सर्किट को उड़ा दो आप, तो आपने क्या माना था कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट एक्स है, मतलब इन सारे रजिस्टर्स को जब मैं सोल्व करूंगा तो एक सिंगल रजिस्टेंस आएगा जिसकी वैल्यू एक्स होगी,
बराबर। तो जब मैंने यहां से पूरा सर्किट उड़ाया, तो इन सबको जब मैं हटाऊंगा तो इनको भी मैं किससे रिप्लेस करूंगा, इनको भी तो मैं एक्स से ही रिप्लेस करूंगा, क्योंकि बात तो वही है ना। समझ में आया? तो स्टेप क्या, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माननी है वो एक्स मानो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, देखो सर्किट अपने आप को रिपीट करना कहां से स्टार्ट किया। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर, और मेंस वाले और एडवांस वाले तो स्पेशली ध्यान देना, ठीक है। नीट में इतना नहीं आता क्योंकि इसमें अभी वो सब लगेगा, मैथ लगेगा थोड़ा सा, क्वाड्रेटिक बनेगी, समझ रहे हो। तो सबसे पहला काम है, जिनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है उनके बीच में इक्विवेलेंट एक्स वाई जेड जो आपका मन करे वो मानो, फिर देखो सर्किट अपने आप को रिपीट करना कहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहां से कर रहा है, हर क्वेश्चन में यहां से करे, ये जरूरी नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। तो जहां से वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है वहां से उसको हटाओ, और उनको हटाने के बाद वो एकदम वही है जो ओरिजिनल तुम्हारा था, क्योंकि इनफिनिटी में से आप एक को छोड़ के बाकी सबको हटा दे रहे हैं, बात तो वही है ना, ठीक है। तो जब उन सबको आप हटाओगे जहां से अब रिपीटेशन स्टार्ट हुई है, तो उन सबकी जगह आप एक सिंगल रजिस्टर लगाओगे जिसकी वैल्यू भी एक्स होगी, क्योंकि आपने अल्टीमेटली ए और बी के बीच में एक्स माना है। आया आप समझ? चल अब ध्यान से देखो, अब सर्किट को सोल्व करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट को। तो आर और एक्स किस में हो जाएंगे आपके? पैरेलल, बहुत बढ़िया। तो इक्विवेलेंट इनका कितना? आर एक्स बाय आर प्लस एक्स। क्या इन दोनों का जो आएगा, मतलब ये रेजिस्टेंस, क्या ये इस आर के साथ सीरीज? तो प्लस आर, तो ये क्या बन गया आपका? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अरे आया, क्योंकि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये आर एक्स पैरेलल हो जाएंगे, तो आर एक्स बाय आर प्लस एक्स, उसके साथ ये सीरीज, तो प्लस आर। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और उसी को हमने क्या नाम दिया है? एक्स। ये है आपकी इक्वेशन जो आपको बनानी है इनफाइनाइट लेटर। हर बार ये बनेगी जरूरी नहीं, और डिपेंड करेगा सर्किट कैसा है, कहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुई है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूंगा, देखना उसमें आंसर चेंज हो जाएगा। आया समझ? एलसीएम ले लो अब, आर एक्स आर एक्स, टू आर एक्स प्लस आर स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू आर एक्स प्लस तो इक्वेशन क्या आई आपकी? इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। कैसे आया समझ में? आया कैसे? रिप्लेस किया, कहां से काटा, वो सब समझ में आ रहा है। तो क्या आ जाएगा यहां से? एक्स इज इक्वल टू आर प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक आती है ना सोल्व करनी, प्लस माइनस आर स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर, जिसको नहीं आते बता देता, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए विच विल बी टू। तो एक्स कम्स आउट टू बी आर प्लस माइनस रूट फाइव आर बाय टू, तो एक्स आ जाएगा आर कॉमन वन प्लस रूट फाइव बाय टू। अच्छा, वन माइनस रूट फाइव बाय टू क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वन माइनस रूट फाइव बाय टू मतलब नेगेटिव, रेजिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी ना हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी आर इंटू वन प्लस रूट फाइव बाय टू, और एक्स ही आपने क्या माना था? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही तो हमको निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ पा रहे हो? अरे बोलो, पक्का? चलो आगे बढ़े। क्या किया, समझ में आया सब लोगों को अच्छे से? तो स्पेशली मेंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दो साल पहले ये क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट, ठीक है। एससी भी उठाओगे उनमें, उसमें भी मिलेगा आपको, बहुत बुक्स में मिलेगा, नीट वालों को भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, नीट की सिंगेज में ये क्वेश्चन दिया होगा उन्होंने, ठीक है। पर एग्जाम्स में नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मैथ यूज होता है, ठीक है। चलो समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ गया तो फिर मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दो। सेम क्वेश्चन है लगभग, इनफाइनाइट लैडर है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, छोटा सा एक डिफरेंस है, वो क्या है? यहां पे आर नहीं है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। क्वेश्चन नंबर टू है इनफाइनाइट लैडर का, यहां पे आर नहीं है। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहां पे कोई आर नहीं, यहां पे आर, यहां पे आर, ठीक है। उसके बाद सेम है एकदम, पर स्टार्टिंग में आर नहीं है। तो अब क्या करोगे, ध्यान से सोच के मुझे बताओ। चलो ट्राई करो एक बार पॉज करके, थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है, अभी भी क्वेश्चन वही है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। क्या चेंज किया, ध्यान से समझना और ट्राई करना एक बार, तब एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसे करना है, ठीक है।
करो 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 करो। अरे कर लिया सबने ट्राई। अरे किया, चलो फिर देखो कैसे करना है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अब रिपीट करना कहां से स्टार्ट करेगा, मतलब कहां से आप हटाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने यहां से हटाया था क्योंकि हमको दिख रहा था यहां से रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। अभी भी मैं क्या मान रहा हूं, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी एक्स है, पर अब मैं काटू कहां से, मतलब कहां से वो रिपीट करना ऐसा एकदम एग्जैक्ट अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करेगा। क्या इस बार मुझे यहां से काटना पड़ेगा? देखो ध्यान से, क्योंकि अगली ब्रांच में क्या लगा होगा, आर यहां, आर यहां, फिर आर यहां, आर यहां। ठीक है, यहां से अगर हम काटते हैं तो देखो एग्जैक्ट अपने आप को रिपीट करेगा। इसके बाद इस बार यहां से नहीं काट सकते क्योंकि यहां से अगर काटोगे ये आर तो पहले है ही नहीं ना। समझ में आया? अब जब आप इस पूरे को हटा के एक सिंगल एक्स लगा रहे हो तो यहां से हटा के एक्स लगाने में क्या प्रॉब्लम है? बात तो ये भी तो इनफाइनाइटी है ना। इनफाइनाइट में से एक ब्रांच अगर आप कम कर दे रहे हो तो इनफाइनाइट ही रहेगा ना वो। तो अगर आप इस पूरे को हटा के ए और बी के बीच में एक सिंगल एक्स लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां से जब आप हटाएंगे पूरे को तो इसको हटाने के बाद भी क्या लगाओगे? ऑब्वियसली एक्स, क्योंकि वहीं से तो रिपीट करना स्टार्ट किया। तो कैसा बनेगा डायग्राम? ये ए, ये बी, ये आपका आर, ये आपका आर, यहां तक रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद जब हमने पूरे को हटाया तो वो पूरा हटके यहां पे क्या लगा आपका? एक्स। ये बात समझ में आई क्या किया हमने? चलो अच्छी बात है। अब आगे बोलो, आर एक्स सीरीज, क्या आर प्लस एक्स, वो आर प्लस एक्स इस आर के साथ पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका? आर प्लस एक्स इंटू आर अपॉन आर प्लस एक्स प्लस आर, आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। ये किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो हमने क्या मानी है? एक्स मानी है। ठीक है, सोल्व करो अब। तो कितना आएगा यहां से बोलो, आर स्क्वेयर प्लस आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस आर एक्स। आर एक्स आर एक्स कैंसिल हो गए, क्या बचा बोलो? एक्स स्क्वेयर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू जीरो। एक्स आपका कितना है बोलो? माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस फोर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू। कितना आया? माइनस आर प्लस माइनस रूट फाइव आर बाय टू। तो एक्स कम्स आउट टू बी आर कॉमन रूट फाइव माइनस वन बाय टू। माइनस रूट फाइव वाला हटाएंगे क्यों? क्योंकि उससे रेजिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगी। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट इज आर इंटू रूट फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। समझ में आया? अरे बोलो पक्का? चलो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलो चलो आगे देखो। अब आगे समझ में आता? तो पहले का आंसर आया था आर इंटू वन प्लस रूट फाइव बाय टू, सेकेंड का आंसर आया आपका आर इंटू रूट फाइव माइनस वन बाय। थोड़े से सर्किट में चेंज था। तो इनफाइनाइट लेटर कैसे करना समझ में आ गया? सिंपल, जिनके बीच में निकालना उनके बीच में एक्स मानो, देखो सर्किट अपने आपको रिपीट करना कहां से स्टार्ट कर रहा है, तो वहां से पूरे सर्किट को उड़ा दो और उनको उड़ाने के बाद उसको रिप्लेस कर दो उसी एक्स से जो आपने ए और बी के बीच में मानी, क्योंकि सर्किट वही है आपका वहां से। ठीक है चलो, फिर एक क्वेश्चन है, ट्राई करना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इसी का है, इनफाइनाइट लैडर का। यहां तक नोट कर लो पहले। ठीक है, यहां तक नोट करने के बाद फिर क्वेश्चन नोट करो इनफाइनाइट लैडर का। एकदम जैसा पहला है वैसे डायग्राम बनाओ, जैसा पहला डायग्राम है एकदम सेम वैसा ही बनाया। बस फर्क क्या है, ये आर था, ये आर था,
ये ए, ये बी, ये भी आर था, ऐसे ही तो था पहला डायग्राम, बस ये के आर है बार की जगह, ये भी के आर है, मतलब हर ब्रांच में बदलता जा रहा है लगातार, ये के स्क्वायर आर है और ये के स्क्वायर आर है, और ऐसा इनफाइनाइट, फिर आगे के क्यूब आर ऐसा चलता जाएगा। सवाल है आर इक्विवेलेंट निकालो ए और बी के बीच में, लगभग पहले जैसा है, बस पहले में क्या थे, हर एक रेजिस्टेंस सेम थे आपके, ठीक है। इसमें क्या है, पहली ब्रांच में अगर आर आर है, अगले में के आर फिर के स्क्वायर आर फिर के क्यूब आर ऐसे चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन वही है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो थोड़ा दिमाग लगाना। अभी भी हिंट देता हूं, अभी भी काटना ही है आपको जहां से रिपीट कर रहा है, पर रिपीट एग्जैक्ट नहीं कर पा रहा इस बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आर आर है, यहां से हटाओगे तो आपका ये के आर है, तो क्या करोगे, सोचना थोड़ा सा और उसको सोल्व करना। ये ओलंपियाड में क्वेश्चन आ चुका आपका, ट्राई करना, जिसका हो जाए मुझे बताना, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भेजना, ठीक है। चलो इसको मंडे के लेक्चर में मैं बताऊंगा, कल के लेक्चर में नहीं, ठीक है। चलो आ गया सबको समझ में, कर लोगे इनफाइनाइट लैडर, तो मेंस वाले स्पेशली ध्यान दो क्योंकि उसके में आता है, क्योंकि मैथ यूज हो रहा है तो मेंस वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट क्या है वो समझो अच्छे से, कैसे अप्लाई करना है वो समझो, और फिर फाइनली आराम से इक्वेशन को सॉल्व करो। नेगेटिव क्यों नहीं लिया रूट में, दो रूट्स आते हैं ना आपके क्वाड्रेटिक के, तो उसमें नेगेटिव वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस नेगेटिव आ जाती, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। कल से मैं इसकी बात कर रहा हूं कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, तो अब ध्यान से समझना क्या कंडीशन है, कब बनता है और कैसे बनता है वो भी देखना। आप एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा व्हीट स्टोन ब्रिज कराने के बाद, देखना फंसोगे उसमें, और बहुत लोग फंसते हैं और वो पास्ट ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत लोगों ने गलती करके उसको सॉल्व किया था, ठीक है, तो आप गलती मत करना। कब बनता है व्हीट स्टोन ब्रिज वो देखना, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा होता है, कुछ ऐसा सेटअप होता है, ये आपका आर वन, ये आपका आर थ्री ले लेते हैं, पांच रजिस्टर्स होते हैं, ध्यान देना व्हीट स्टोन ब्रिज में पांच रजिस्टर्स होंगे, ये आर फाइव, ये ले लेते हैं आर टू, ये ले लेते हैं आर फोर, ध्यान से समझना, इसके क्वेश्चन भी करेंगे एक टाइप के, वो भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब अगले जो आधे घंटे हम पढ़ेंगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एक चीज बताता हूँ, जेई मेन्स 2019 में इससे सवाल आया है, ठीक है, एकदम ऐसा नहीं आया, क्या आया था वो भी मैं बताऊंगा, तो अच्छे से ध्यान से सुनना, और नीट वाले लोग भी स्पेशली व्हीट स्टोन ब्रिज के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे उनके पास्ट ईयर में, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, तो क्वेश्चन क्या है कि पहली चीज तो व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, दूसरी चीज कब बनता है, मतलब कौन सी कंडीशन आने वाली है कि हम देख के बता सकते हैं उन पांचों रजिस्टर्स को कि ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब एक एपेरेटस, मतलब एक क्या बोल सकते हैं उसको, ऐसा सर्किट, ऐसा सर्किट को व्हीट स्टोन ब्रिज कब बोलना है पहले वो समझना, क्या कंडीशन आने वाली है वो समझना, और अगर वो व्हीट स्टोन ब्रिज है तो क्या होने वाला है वो समझना। मैं सारी चीजें बोर्ड पे लिखूंगा, उसको अच्छे से नोट करना और फील लेना कि क्या हुआ। तो सबसे पहली चीज, आपके पास पांच रजिस्टर्स है, मैंने जनरल नाम दिए हैं आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव, मैं वैल्यूज भी दे सकता था पर जनरल से बात करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज में होता क्या है, फिर उसकी कंडीशन आती क्या है, और बैटरी कैसे कनेक्ट किया वो ध्यान से देखना सब लोग, ठीक। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, ध्यान से सुनना, अगर करंट इन आर फाइव मतलब बीच के रजिस्टर से करंट इस रजिस्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, यही सेम हम कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, बस वहां कैपेसिटर्स आ जाएंगे रजिस्टर्स की जगह। तो इफ करंट इन आर फाइव मतलब जो मिडल वाली ब्रांच है, दिख रही है सबको आपको ये वाली ब्रांच, ये वाली, तो इफ करंट इन आर फाइव इज जीरो, अगर आर फाइव में आपका करंट जीरो है तो ये क्या बनता है आपका, व्हीट स्टोन ब्रिज, पांच रजिस्टर्स होंगे और ये जो बीच में रजिस्टर लगा होगा, अगर इसमें से करंट जीरो है तो ये आपका बनता है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखते हैं वो करंट जीरो किस कंडीशन में होगा, मतलब क्या रिलेशन,
होगा इन पांचों के बीच में ताकि वो व्हीटस्टोन ब्रिज बने, और अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज बना तो बीच के उससे कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो हम उल्टा लेके सोल्व कर रहे हैं। अब आधे बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि व्हीटस्टोन ब्रिज में इसमें से करंट नहीं जाता है, तो एक्सपेरिमेंटल चीज है। क्या किया गया होगा, एक डिवाइस आता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो बीच की ब्रांच में लगाया गया होगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर जब लगाया गया तो उसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है जब उसमें से करंट पास होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इनकी कुछ वैल्यूज ली, ठीक है, R1, R3, R2, R4, ठीक है। तो उन्होंने नोट किया एक पर्टिकुलर सेट पे R1, R2, R3, R4 वो कुछ कंडीशन फॉलो कर रहे थे, ठीक है, कोई रूल फॉलो कर रहे थे, वो क्या है वो अभी डिराइव करेंगे। तो उस पर्टिकुलर सेट जब उन्होंने लिया R1, R2, R3, R4 का, तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर जो बीच में लगाया था वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, और डिफ्लेक्शन शो कब नहीं करेगा, जब उसमें से करंट नहीं जाएगा, समझ पा रहे हो। तो वहां से उन्होंने क्या बताया कि अगर हम ये सेट ले लेते हैं इन चारों रजिस्टर्स का, कंडीशन क्या है वो अभी देखेंगे, तब बीच की ब्रांच से कोई भी करंट नहीं जाता, और उन्होंने इसको नाम दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में दो चीजें ध्यान देनी आपको, कंडीशन क्या है पहला, ताकि आप देख के तुरंत पता कर पाओ कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, ठीक है, तुरंत आंखों में चमक आ जानी चाहिए, हाँ ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। दूसरा चीज, अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पता कर लिया तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बीच की ब्रांच से, ये वाली जो ब्रांच है इससे कोई भी करंट नहीं जाएगा। करें स्टार्ट, कंडीशन क्या आएगी ध्यान से हम देखना आगे, सब लोग आगे देखो, यहां का पोटेंशियल मैं 0 वोल्ट ले लेता हूं, चलेगा, ठीक। यहां का क्या हो जाएगा बोलो, वी, 0 से V हाई, अब तो बहुत बार कर चुके, ये वी, क्या ये भी वी, क्या ये भी वी, बिल्कुल, क्या ये 0, ये भी 0, ये भी 0, डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, ठीक है, अच्छा। अब R5 से मुझे पता कोई करंट नहीं जा रहा, तो अगर एक रजिस्टर से करंट नहीं जा रहा है, क्या उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी 0 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, इफ I इज इक्वल टू 0 देन V शुड बी इक्वल टू 0, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 0, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा, बिल्कुल सही, सेम, क्योंकि सेम होगा पोटेंशियल तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तभी तो करंट 0। अच्छा, अब ये क्या V के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं, इससे तो करंट जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉप होगा, ना तो वो 0 होगा, तो मान लो ये कितना है आपका X, पर ये भी कितना होगा X, दोनों X के लिए, वो समझ में आ रहा है। आधो को लगेगा कि सर हम तो वायर के लिए ऐसा करते थे, ठीक है, पर ये तो रजिस्टर है, पर करंट थोड़ी ना जा रहा है इससे, कंडीशन ही वही है व्हीटस्टोन ब्रिज की, मिडल वायर से कोई भी करंट आपका नहीं जाएगा, तो करंट नहीं जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी 0, तो ऊपर का जो पोटेंशियल होगा वही नीचे का, बराबर, ओके। अब क्या करो, अब हम निकालते हैं एक्स की वैल्यू, ठीक है, देखो अब ध्यान से बताओ एक्स की वैल्यू कैसे निकालें। अब आपने अपनी अपनी नोटबुक में इसको ट्राई करो और देखो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालें, ठीक, ट्राई करना, केसीएल लगाओगे, ठीक, लगाओ केसीएल और ट्राई करना अपने अपनी नोटबुक में, देखो ये गया, ये गया, ठीक, बोलो पहला कितना, I1 क्या होगा, KCL पढ़ चुके हैं ना, I होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, क्या X माइनस V या V माइनस X, आपने जिधर लिया उसके अकॉर्डिंग लिखो, X माइनस V बाय R1 प्लस I2 बोलो X माइनस 0 बाय R2 दैट शुड बी इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 नेट आउटगोइंग करंट फ्रॉम अ जंक्शन इज 0। अब आधे बोलेंगे सर आपने इधर क्यों नहीं लिया, इधर से तो करंट ही नहीं जा रहा है ना आपका, वही तो कंडीशन है हमारी, समझ रहे, वैसे हर डायरेक्शन में लेना, जितनी पॉसिबल डायरेक्शन है सब में आपको लेना है, ठीक है, पर उससे हम ले ही नहीं सकते ना, उससे करंट ही नहीं है आपका। चलो क्या आया यहां से बोलो, कुछ तो है, हाँ क्या आया, x माइनस v बाय R1 इज इक्वल टू माइनस x बाय R2, दिस इज आवर इक्वेशन 1, क्या यूज है इसका आगे खुद ही दिख जाएगा आपको। अब हम KCL लगाते हैं नीचे के लिए, ये भी तो जंक्शन है हमारा, तो इससे नेट आउट गोइंग 0 होगा, ऊपर फिर से नहीं ले रहा है क्योंकि उससे करंट जा ही नहीं रहा आपका, लिखो फिर नीचे के करंट लिखो, x माइनस v बाय R3, अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, प्लस x माइनस 0 बाय R4 दैट शुड बी इक्वल टू 0, नेट आउट गोइंग करंट का सम 0, इक्वेशन 2 अभी नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x माइनस v बाय R3 इज इक्वल टू माइनस x बाय R4, इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन समझ में आई, एक ऊपर लगाया हमने KCL और एक लगाया हमने नीचे। अब 1 और 2 को डिवाइड करो, मजा आएगा, अब देखो कंडीशन आने वाली है, डिवाइडिंग 1 बाय 2,
करो डिवाइड, करो 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 करो। क्या R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4? कर लोगे ना इतना मैथ? या बहुत बुक में ऐसा लिखा है, R1 by R3 इज इक्वल टू R2 by R4। ठीक, मतलब सुनना कंडीशन क्या आई, इस रेजिस्टेंस का रेशो इसके साथ जो आएगा, अगर वो इक्वल हो जाए इसका जो इसके साथ आएगा, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, इफ ये बाय ये का रेशियो इज इक्वल टू ये बाय ये का रेशियो, या ये बाय ये का रेशियो इज इक्वल टू ये बाय ये का रेशियो, एक ही बात है। अरे आया, तो उसमें होता क्या है, बीच के रजिस्टर से मतलब R5 से कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में आपको दो चीजें ध्यान देनी है, पहला कब होगा, व्हेन R1 by R3 इज इक्वल टू R2 by R4, पहला कंडीशन ये, इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा। और अगर वो व्हीट स्टोन ब्रिज है तो क्या होगा, करंट थ्रू R5, कौन सा R5, ये जो मिडल में मैंने लगाया, करंट तो करंट थ्रू R5 विल बी जीरो। प्रूफ देखो, कोई काम का नहीं है, कोई नहीं पूछने जाएगा दुनिया का कोई आदमी, बस आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज। मैंने प्रूफ कर दिया, प्रूफ का कोई भी लेना देना नहीं है किसी एग्जामिनेशन के साथ, बस आपको फील आना चाहिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है। और दूसरी चीज, गलती कहां होती है मैं बताता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कि आपने बैटरी कैसे लगाई है, और दूसरी चीज जिससे करंट नहीं जा रहा है उसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल सेम है, मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ये चीजें समझ में आ रही है? बैटरी कैसे कनेक्ट की है वो देखो पहले, ठीक है, क्योंकि इसमें गलती होगी क्वेश्चन जब मैं अभी कराऊंगा, देखना तुरंत गलती करोगे उसमें आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़े, कंडीशन क्या व्हीटस्टोन ब्रिज की समझ में आ गया? अच्छा अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन कैसा आता है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ इस पूरे सर्किट का। अभी तो देखो ऐसा देख के तो आप कभी बता ही नहीं सकते थे, आपको पता ही नहीं चल रहा है कौन सीरीज कौन पैरेलल। अच्छा इसका काम हो गया तो इसको हटा देते हैं। अब ऐसा देख के बता पा रहे हो, R1 R2 R3 R4 R5 में, पांचों में कौन सीरीज कौन पैरेलल? नहीं, पर क्वेश्चन तो मुझसे पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, मतलब इन सबको किससे रिप्लेस करोगे, एक सिंगल से उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अब मैं बता सकता हूं क्यों, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो R5 से कोई करंट नहीं जाएगा, तो शायद मैंने कल के या परसों के लेक्चर में बताया था कि जब भी रजिस्टर से करंट नहीं जा रहा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है सर्किट में, ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रजिस्टर, याद आया? तो क्या हम इसको सर्किट से उड़ा सकते हैं? ठीक है, अब अपनी नोटबुक में खुद ही उड़ा लेना, लिख लेना, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी इसकी, तो इसको सर्किट से उड़ा दो। शॉर्ट सर्किटिंग क्यों होगी, क्योंकि इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इससे कोई करंट नहीं जा रहा, वही तो कंडीशन ही है व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो इससे जब करंट जाएगा ही नहीं तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो सोच के देखो, जब बैटरी यहां से आई करंट देगी, जब बैटरी यहां से आई करंट देगी, क्या यहां तक आई जाएगा? बिल्कुल। अब आई करंट क्या डिवाइड होने वाला है यहां और यहां, सपोज ये I1 ये I2, या I-I1 मान सकते हो। अब ये I1 क्या यहां जाके डिवाइड हो सकता है? नहीं, उससे करंट जाएगा ही नहीं। क्या ये I2 ऐसा जा सकता है? नहीं, उससे करंट ही नहीं जा रहा है। तो ये I2 क्या सीधा निकल जाएगा? तो ये I2 ऐसा सीधा, ये I1 ऐसा सीधा, क्या ये दोनों सीरीज हो जाएंगे? बिल्कुल। क्या ये दोनों सीरीज हो जाएंगे? बिल्कुल। क्या उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इन दोनों के इक्विवेलेंट के पैरेलल, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 plus R2, वो इसके पैरेलल, समझ रहे हो? तो फाइनल आंसर क्या आएगा देखना, बड़ा सा आंसर है, रटना नहीं है। आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 plus R2 इंटू R3 plus R4 अपॉन R1 plus R2 plus R3 plus R4। आधे लोग की तो हालत खराब हो गई होगी, ये क्या हुआ? ठीक है, हुआ कुछ नहीं, अगर उनके पास थोड़ा दिमाग होगा तो उनको समझ में आ गया होगा हुआ क्या। ठीक है, ऊपर के दोनों सीरीज क्यों सीरीज, समझ में आया? नीचे के दोनों सीरीज और आपस में पैरेलल, तो ऊपर के दोनों सीरीज R1 plus R2, नीचे के दोनों सीरीज R3 plus R4 आपस में पैरेलल, तो R1 R2 by R1 plus R2, जनरल रिजल्ट जो है लगा दो। सो R1 plus R2 इंटू R3 plus R4 अपॉन R1 plus R2 plus R3 plus R4। ओके, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं।
चलो फिर समस्या नहीं है तो दे देते हैं समस्या। 6 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 12 ओम, 6 ओम, 5 वोल्ट। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट है, खुद ही लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं। पहला पार्ट, फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। चलो तीन पार्ट करते हैं, फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर, या ऐसा करते हैं, चलो दो ही पार्ट में खत्म करते हैं। पहला पार्ट लिखो डायग्राम बनाने के बाद, 6 ओम, 3 ओम, 12 ओम, 6 ओम, बना लिया, नीचे बैटरी भी दी हुई है। पहला पार्ट है, एक मिनट थोड़ा आसान करें क्या इसको। हाँ सही, आसान है, एकदम आसान है। नीचे 6 वोल्ट ले लो, ये बैटरी ले लो 6 वोल्ट, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो पहला पार्ट लिखो डायग्राम बनाने के बाद, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर से करंट। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, कल का लेक्चर भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने वही सीखा था, सर्किट्स अगर हमको दिए हैं तो करंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, सीख गए होगे वो, 9th-10th में भी पढ़े होगे थोड़ा बहुत। तो पहला पार्ट है फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, सेकेंड पार्ट है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहला लिख लो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दूसरा फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, यार इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख लेना, रटना नहीं है। ठीक है, रटने वाला चीज ही नहीं है वो, क्या हुआ कैसे हुआ वो समझो। चलो करें स्टार्ट, जिनको समझ में आ गया, जिनको व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से समझ में आ गया, वो पॉज करो और ट्राई करो, बाद में आंसर देखना। ठीक है, बाकी लोग आगे देखो। देखो पहले तो चेक करो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अभी मैं इसके बाद एक टॉपिक और कराऊंगा, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा होगा पर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, समझ रहे हो। तब कैसे करने हैं वो ध्यान देना, और वो जेई मेंस और एडवांस वालों के लिए, नीट के लिए कोई मतलब नहीं है, टेस्ट सीरीज में नीट के लिए आएगा पर फाइनल में कभी नहीं आएगा, ये ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन में टाइम लगता है। देखो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, चेक करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है, 5 रजिस्टर्स दिख रहे हैं सबको, बैटरी ऐसे होनी चाहिए वो भी दिख रही है सबको। ठीक है, और जरूरी नहीं है ऐसा ही हो सर्किट, सर्किट अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैं अगला ये भी बताऊंगा। वेरियस फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, अलग अलग फॉर्म होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, देखने में लगता नहीं है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर एक्चुअल में होता है वो। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कैसे। देखो पर व्हीटस्टोन ब्रिज में हमको एक चीज पता है, ये बाय ये का रेशियो अगर ये बाय ये के इक्वल है तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? बिल्कुल। 6 ओम बाय 3 ओम, क्या 2 होता है रेशियो? 12 ओम बाय 6 ओम, क्या 2 होता है रेशियो? तो इसका बाय इसका रेशियो इसके बाय इसके के इक्वल है, बराबर। तो अगर वो रेशियो इक्वल है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच के रजिस्टर से कोई भी करंट नहीं जाएगा, ये याद रखना। तो पहले पार्ट का आंसर, करंट थ्रू 4 ओम, 4 ओम दैट इज 0, ये तो मुझे पहले ही पता चल गया, बाकियों से कितना होगा वो अभी आगे देखेंगे। ठीक, और उससे पहले दूसरा पार्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले वो निकालना आसान है। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, कैसे कोई करंट नहीं, कैसे को उड़ा दें, 6 और 12 सीरीज 18, 3 और 6 सीरीज 9, 18 और 9 पैरेलल, तो इक्विवेलेंट विल बी 18 × 9 / 18 + 9। कैसे आया पता है ना, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2, कितना हो गया ये 18 + 9 = 27, 9 से गया 3, 3 से गया 6, सेकेंड का आंसर आ गया आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम, जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है। ठीक, अच्छा आर इक्विवेलेंट आ गया तो कितना करंट आएगा आपका, बोलो ये वाला आई, मतलब ओवरऑल टोटल करंट कितना आएगा, दैट इज वी बाय आर इक्विवेलेंट, तो 6/6, इसलिए मैंने 6 लेने को बोला था। तो कितना आ गया, 1 एम्पियर, तो यहां तक गया 1। अच्छा, इसको आप केसीएल या केवीएल से भी सोल्व कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो करंट आ गया आपका 1। कल कोई मुझसे डाउट पूछ रहा था, तो केवीएल में एक चीज ध्यान देना, केवीएल में जब आप इक्वेशंस बनाओगे तो आपको पता है एक लूप आपको लेना है, क्लोज लूप, एक जगह से स्टार्ट करके सारे ईएमएफ्स लिख के साइन के साथ और सारे पोटेंशियल डिफरेंस लिख के साइन के साथ। कैसे साइन लेना है, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR, उल्टा जा रहे हैं तो +IR, और अगर आपको पॉजिटिव बाद में दिख रहा है तो +E, नेगेटिव बाद में दिख रहा है -E, पता है ना, सब अच्छे से मैंने बताया था, पूरा एक लेक्चर गया था उसमें। और फिर जब आप इक्वेशंस बनाने बैठोगे, सपोज आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं I और I1, तो आपके पास 2 लूप होने चाहिए ताकि आप 2 इक्वेशन बनाओ और I और I1 की वैल्यू निकालो। अब ध्यान से सुनना, सुनना आप ध्यान से। सपोज आपकी एक इक्वेशन आ गई
आई प्लस टू आई वन इज इक्वल टू जीरो, इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है, ऐसी बता रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। और दूसरी आपकी आ गई टू आई प्लस आई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। दो लूप में आपने केवीएल लगाया, एक लूप में ये इक्वेशन आई, एक में ये आई, बराबर। अब आधों को डाउट होता है सर पहले से आई कितना आएगा बताओ मेरा, माइनस टू आई वन। और हाँ ये इक्वेशन आपको साइन के साथ बनानी है, बताया था मैंने केवीएल जब भी लगाओगे आपको ईएमएफ साइन के साथ लेनी है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आईआर या माइनस आईआर वो भी साइन के साथ लेना है, किसी भी डायरेक्शन में आप घूम सकते हैं वो आपकी इच्छा है, करंट पहले आपको मानना पड़ेगा, ये भी मैंने बताया था पूरे लूप में पूरे सर्किट में। तो पहले से क्या आया आई इज इक्वल टू माइनस टू आई वन, इसमें डालें। अब आधों को डाउट होता है सर इसमें जब आप आई आई वन की फॉर्म में डालेंगे तो ट्वाइस ऑफ आई को क्या लिखे, माइनस टू आई वन की प्लस टू आई वन, शायद मैंने ये भी बताया था जो आपका आ रहा है वही आपको लिखना है अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना है माइनस टू आई वन प्लस आई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब जो भी आएगा आई सोल्व होके नेगेटिव पॉजिटिव देख लेना, अगर आपका आई वन सोल्व होके नेगेटिव आ गया, ये आई वन है सॉरी, ठीक है। तो अगर आपका आई वन सोल्व होके नेगेटिव आ गया मतलब आपने आई वन की डायरेक्शन सर्किट में गलत मानी थी, क्योंकि वो तो आपने पहले ही मानी थी ना, वो आपको नहीं पता था कि कौन सी होगी, कोई भी हो सकती थी वो, ठीक। और फिर आई वन की वैल्यू इसमें डाल देना, नेगेटिव आएगी देखो कर ही देते हैं इसे, माइनस फोर आई वन प्लस थ्री आई वन माइनस थ्री आई वन माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। आई वन कितना आया आपका माइनस फोर बाय थ्री, तो आई वन नेगेटिव, तो आई कितना आएगा यहां से माइनस टू इंटू आई वन। अब आई वन क्या डालना है, जो आपका आया है, जो आपका आएगा वही आपको लेना है, एट बाय थ्री प्लस में, मतलब आपने आई की डायरेक्शन सही मानी है आई वन की डायरेक्शन गलत, ऐसे केवीएल लगाना है तो गलती मत करना। अभी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आपको और क्लियर होता जाएगा, ठीक। वापिस आते हैं मुद्दे से, भटक गए थे हम लोग। 12-6 सीरीज, क्यों सीरीज समझ में आ गया, बीच के सर्किट बीच के रजिस्टर का कोई मतलब ही नहीं है, उससे करंट ही नहीं जाएगा, व्हीट्स ऑन ब्रिज होता ही यही है। 6 और 3 सीरीज, 18 और 9 पैरेलल, इक्विवेलेंट आ गया आपका 6 ओम। 6 ओम इक्विवेलेंट आ गया तो टोटल करंट कितना आएगा, वी बाय आर इक्विवेलेंट, वी कितना है आपका 6, आर इक्विवेलेंट कितना है आपका 6, 6 बाय 6 1। अब ये 1 यहां पे जाके डिवाइड होगा, क्वेश्चन वही है हर एक रजिस्टर से करंट बताओ, इसको इरेज कर दें अब इसका कोई काम ही नहीं है। चलो अब मैं सर्किट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, देखो ध्यान से, ये दोनों आपके आए थे 18, ये दोनों आपके आए थे 9। अब सोचो ये 18 किसका कॉम्बिनेशन आया था, 6 और 12 का, तो मतलब जितना इस 18 से जाएगा इक्विवेलेंट से उतना 6 और 12 से ही जाएगा, वो तो सीरीज ही है, ठीक। जितना इससे जाएगा वो 3 और 6 से जाएगा, तो क्या मेरा पहला पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, उसने पूछा था हर एक रजिस्टर से करंट बताओ। अब यहां से एंटर किया कितना 1, तो क्या डिवाइड होगा, और पैरेलल में कैसे डिवाइड होता है याद है, पैरेलल में करंट रेजिस्टेंस के रेशियो के उल्टा, मतलब इसमें डबल करंट जाएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3। अरे आया, बोलो बोलो बोलो, खत्म सवाल। तो आंसर क्या आया, 3 ओम 6 ओम से सेम कितना 2/3, और 6 ओम 12 ओम से सेम कितना 1/3, और 4 ओम से 0। वो तो कंडीशन ही है व्हीटस्टोन ब्रिज की। अच्छा क्या ये सब करने से अच्छा डायरेक्टली कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। क्या ये 6 वोल्ट की बैटरी है, क्या ये 0 वोल्ट, क्या ये 6, क्या घूम के ये 6, क्या ये 6, ये 0, तो ये 0, ये 0, क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 6। पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस क्या करंट होता है, तो 6/18 1/3। क्या नीचे क्या अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल 6/9 2/3, वही आंसर है आपके। तो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। अरे आया, समझ में आया पक्का। अब एक दो फॉर्म और होती हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है। चलो अब आगे देखो ध्यान से, कौन सी और फॉर्म होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, मजा आ जाएगा देख के आपको। ए देख के लगेगा ही नहीं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर है वो, एक्चुअल में तो है वो। जब भी आपको सर्किट में 5 रजिस्टर मिले तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि 100% है, पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बना, बहुत लेंदी होगी उसकी कैलकुलेशन, और जो कि अवॉइड किया जाता है बड़े एग्जामिनेशंस में, कि बहुत बड़ी भी नहीं होती है, एडवांस में होती है पर इतनी बड़ी नहीं कि पूरा जिंदगी उसी में बीत जाए, और नीट तो कभी प्रेफर नहीं करता ऐसे क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन बड़ी हो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना स्पेशली नीट और मेंस के पर्पज से, कि जब भी आपको सर्किट में 5 रजिस्टर्स दिखें, शायद इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल 5 है, तो 5 रजिस्टर जब भी आपको सर्किट में दिखे तो चांसेस हैं, ठीक है, बहुत हाई चांसेस हैं कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। क्वेश्चन क्या है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब पता है ना, जिनके बीच में बताया वहां बैटरी लगी होगी, मैं बार बार नहीं बनाता हूं, पता ही होगा आपको, तो करंट निकला कहीं तो डिवाइड हुआ, तो आपको दिख ही नहीं रहा है कौन सीरीज कौन पैरेलल। ठीक है, अब कैसे डिसाइड करना है ध्यान से समझो। आपको एक तरीका याद है कल मैंने सिखाया था, पॉइंट्स के नाम देते जाओ और जिनके बीच में निकालना है उनको सबसे दूर बनाओ, और बाकी जो पॉइंट्स बचे एक्स्ट्रा उनको बीच में बनाओ। और मैंने बोलते हुए एक बात भी बोली थी कि कल हम पढ़ेंगे जिसमें 4 पॉइंट्स बनेंगे आपके, ए बी तो है ही पहले से, सी और डी भी बनेंगे। कल जो हमने क्वेश्चन जो ट्रिक 1 की थी उसमें हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें 2 पॉइंट्स बन रहे थे या 3 बन रहे थे, और 3 बन रहे थे तो सी को हमने बीच में बनाया था, और मैंने बोला था उस टाइम कि अगर 4 बनेंगे तो सी और डी को ऊपर नीचे जनरली बनाया जाता है और वो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, वही है ये। ठीक है, कैसे, अब ध्यान से देखो, पॉइंट्स का नामकरण करते हैं, ये ए, क्या ये ए नाम कैसे देते हैं, सीख गए होगे, पोटेंशियल सेम, मतलब पॉइंट के नाम सेम देते हैं हम लोग, ए, ये बी, ये भी बी, ये भी बी। अब ये बी तो नहीं होगा, बीच में रजिस्टर लगा है तो ये मान लो सी, पर ये सी तो ये सी होगा, ये वाला क्या होगा, ये ना तो सी ना बी ना ए, ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए यहां पे है तो यहां पे ए नहीं हो सकता, रजिस्टर लगा है, और सी यहां पे है बीच में रजिस्टर है तो सी भी नहीं हो सकता ना बी हो सकता, तो ये मान लो डी, तो ये डी, पर ये पता है ये डी होगा। आधे लोग इसी में हवा में उड़ गए होंगे, क्या कर दिया है, ए सी सी डी डी बी बी, ये क्या किया, समझ में आ रहा क्या किया, चलो आगे बढ़े फिर, इजाजत, चलो फिर ध्यान से देखो आगे। अब कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको, 4, तो जब भी आपको 4 पॉइंट्स दिखें तो बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं उनको ऊपर नीचे बनाते हैं और वो व्हीटस्टोन ब्रिज जनरली बनता है, मैंने ऐसा बोला 100% नहीं, जनरली बनता है वो। ठीक है, बनाए, तो जिनके बीच में आपको निकालनी है उनको सबसे दूर बनाओ, तो ए और बी सबसे दूर, कल हमने किया था, एक और पॉइंट आ रहा था सी, हमने बीच में बनाया था, क्योंकि सी अगर तीसरा पॉइंट आता है तो बीच में ही जनरली बनता है, पर इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं सी और डी, ठीक, तो उनको बनाओ ऊपर और नीचे, देखो मजा आ जाएगा। अच्छा, अब रजिस्टर्स बनाते जाओ जिसके बीच में आपको दिख रहा है, ये वाला आर किसके बीच में दिख रहा है, ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में आर, ओकेज, ये आर किसके बीच में आपको दिख रहा है, सी और डी, तो सी और डी के बीच में आर, चलो उसका भी काम हो गया, ये वाला आर बोलो किसके बीच में, ए और डी, तो ए और डी के बीच में आर, आया मजा, ये वाला आर किसके बीच में, बी और डी, तो बी और डी के बीच में आर, ओकेज, ये वाला आर किसके बीच में, बी और सी, तो बी और सी के बीच में आर, किसके बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी, क्या बैटरी ऐसी लगी होगी, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, अरे ये तो मुझे देखा देखा सा लग रहा है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिल्कुल ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्यों, कैसे कनेक्शन ऐसी होता है ना, याद है, हाँ, तो ये बाय ये का रेशो क्या 1 आ रहा है, ये बाय ये का रेशो क्या 1 आ रहा है, अरे बोलो, तो क्या बीच वाला सर्किट से उड़ जाता है, उससे कोई करंट नहीं, तो इसको उड़ा दो, इसका काम खत्म, आर आर 2R, आर आर 2R, 2R 2R पैरेलल, तो फाइनल आंसर इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर, कर लोगे, आर आर 2R, आर आर 2R, 2R 2R आर, 2R 2R R कैसे, अब 2R 2R तो 4R होता है, पर 2R 2R 4R होता है सीरीज में, वो 2R पैरेलल में लगे हैं, तो 1R इक्विवेलेंट 1/2R, 1/2R 2/2R, 2 से 2 कैंसिल, R इक्विवेलेंट R, अरे क्या बोलते जा रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में, अब इतना तेज तो चलता है ना, कुछ भी नहीं है, ये तो बचपन वाली चीज है, आर आर 2R, आर आर 2R, 2R 2R R, कर लोगे तो
कोई देख के बता सकता था इतना भयानक सर्किट इतना आसान हो जाएगा? तो प्रैक्टिस है, आप करो प्रैक्टिस। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज वो समझो, अरेंजमेंट कैसा होता है वो समझो, और उसके बाद सोल्व करो। आया? नोट करो इसको, कैसे पॉइंट्स के नाम दिए। और मैंने कल भी बताया था कि जब भी दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स और होते हैं तो जनरली आपका क्या होता है, उनको ऊपर नीचे बनाया जाता है और चांसेस होता है कि वो व्हीट स्टोन ब्रिज आपका बन जाए। ठीक, चलो ये है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इसके बाद करेंगे अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन। व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा दिखता है पर होता नहीं है, ठीक है? उसके क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है, और स्पेशली अभी आया था मेंस 19 में, पिछले साल ही आया, समझिए। इसके और भी फॉर्म होते हैं, आप वो इतना तो प्रैक्टिस आप कर ही लोगे, ठीक है? आपको देख के पहचान में आ जाए व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं है। चलो तो फिर अब ये क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, तब मैं समझ जाऊंगा कि आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर। 10 ओम का ये जो मिडल वाला रजिस्टर है इससे करंट बताओ। सारे दिए हुए 8 4 4 2, रेशो सेम आ रहा है। 8/4 मतलब 2, 4/2 मतलब 2। तो सवाल है मिडल ब्रांच से करंट कितना हो गा? क्या किया क्या किया क्या किया? इसका बाय इसका रेशियो, इसके बाय इसके रेशियो के इक्वल है। ये दो आ रहा है, ये दो आ रहा है, तो बीच का उड़ जाएगा, तो करंट आएगा 0। तो आंसर आएगा I इज इक्वल टू 0। नालायक, गलत है, ठीक है? मुझे बताना ऐसी नलायकी किसने की? बहुत लोगों ने की होगी मुझे पता है, देख के तुरंत भागते हैं कि हाँ व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, बीच का उड़ा दो। ये इस बार व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। बैटरी का कनेक्शन देखो ध्यान से कैसा हो रहा है, कनेक्शन देखो बैटरी का। सिंपली आप बता सकते हो ये दोनों सीरीज होंगे, ये दोनों सीरीज होंगे, और जब आप इसको 0 वोल्ट लेंगे तो इसको कितना आएगा, 30। ये 30 तो ये 30 तो ये 30, एग्री? ये 0 तो ये 0। क्या इस 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है? नहीं, ये 30 ये 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 30। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, तो 3 एम्पियर। ये है इसका आंसर। तो जिसका ये आया था बहुत अच्छी बात है, और जिसका नहीं आया था ध्यान दो, हर चीज को देख के व्हीटस्टोन ब्रिज मत बना देना। ये क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअल में आपका जेई एडवांस में, ठीक है? उसने यही पागल बनाया था, बहुत लोगों ने नालायक, उसने आंसर भी दिया था 0 ओम, मतलब 0 एम्पियर ऑप्शन दिया था, बहुतों ने वही किया था। क्यों? क्योंकि उनको देख के दिखा रेशो सेम, बीच का उड़ा दो, पर देखो तो कनेक्शन कैसा है। क्या इस कनेक्शन में और इस कनेक्शन में फर्क नहीं है? इसमें देखो कनेक्शन कैसा है, इसमें मिडल से थोड़ी कनेक्टेड है वो डायरेक्टली, समझ में आ रहा है? नेगेटिव टर्मिनल एक मिडल के लोअर एंड से, पॉजिटिव मिडल के अपर एंड से, ऐसा कनेक्शन है क्या? नहीं, इसमें वो कनेक्शन है। देखो नेगेटिव टर्मिनल इसके एक एंड से, पॉजिटिव दूसरे एंड से, समझ में आ रहा है, ठीक है? तो इसमें कनेक्शन ही अलग है आपका। होता क्या है, बीच वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज में, करंट 0 होता है, पर इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, तो पहले चेक कर लेना कनेक्शन हो कैसा रहा है बैटरी का, समझ में आ रहा है? फिर डिसाइड होगा कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले तो कनेक्शन चेक कैसे करना बताता हूं मैं। जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है, सपोज ए और बी के बीच में, तो बैटरी का एक टर्मिनल लगा होना चाहिए ए पॉइंट से, दूसरा लगा होना चाहिए बी पॉइंट से। ये होता है कनेक्शन, ताकि उसके कोई भी टर्मिनल जो है वो डायरेक्टली मिडल वाले से कनेक्ट ना हो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि नेगेटिव टर्मिनल उसके एक एंड से कनेक्ट, पॉजिटिव दूसरे एंड से, तो क्या होगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं होता है। मिडल के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, समझ में आ गया? तो कनेक्शन कैसे होना चाहिए समझ में आ गया सबको? इसमें कनेक्शन अलग क्यों था समझ में आ गया? क्वेश्चन
कोई समस्या? तो आंसर क्या आएगा इसका? 3 एम्पियर। चलो आगे बढ़े। चलो तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट, और स्पेशली मेंस वालों और एडवांस वालों के लिए, नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर एग्जाम में नहीं आता, टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, उसका एक मेथड है सॉल्व करने का। अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, लगता है व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा पर है नहीं वो। ठीक है, आगे लिख लेना अनबैलेंस्ड। ठीक, देखो क्वेश्चन इसका कैसा आता है, आप ध्यान से सुनना, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं। ये 8 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, क्वेश्चन आ चुका है, ये 2 ओम, ये वायर है, बीच में रजिस्टर नहीं है, वायर है, कंडक्टिंग वायर है। क्वेश्चन है इससे करंट बताओ कितना होगा। ठीक है, ये 20 वोल्ट, 20 वोल्ट ले लो। ठीक, बताओ बीच की वायर से करंट कितना होगा, तो आंसर आएगा 0। देख के ही आप बता सकते हैं इसका आंसर आएगा 0। कैसे 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 कैसे? क्या 8/4? 2। क्या 4/2? 2। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच के उससे कोई भी करंट आपका नहीं जाने वाला। समझ में आ गया? तो बीच के उससे करंट नहीं जाने वाला, तो इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब करंट 0 है उससे, और क्या मतलब है इसका? अच्छा, इक्विवेलेंट पूछेगा तो क्या होगा, निकाल लोगे इक्विवेलेंट? अब तो एक्सपर्ट हो गए होगे। इक्विवेलेंट किसके बीच में चाहिए? ए और बी के बीच में। तो ये बी, तो ये बी, ये भी बी, ये ए, ये ए, हर टाइप के सवाल मैं करा दे रहा हूं, ये सी, ये सी। ठीक, तो इक्विवेलेंट आपसे पूछा है ए और बी के बीच में, तो जिनके बीच में पूछे उनको सबसे दूर बनाओ, आप तो सीख गए हो गए। ए और बी, सी एक ही पॉइंट है तो बीच में ही बनता है वो जनरली। तो ऊपर का 8 ओम किसके बीच में? ए और सी। 4 ओम बी और सी, नीचे का 4 ओम ए और सी, तो आपस में पैरेलल। ठीक है, और ये वाला 2 ओम इसके साथ, 8 और 4 पैरेलल, तो हो जाएगा 32/12। उसके साथ ये वाला सीरीज हो जाएगा 8/6। आ रहा समझ? तो 8/3 + 4/3, तो इक्विलेंट विल बी 4 ओम। तो अगर क्वेश्चन में इक्विलेंट भी पूछ लेता तो वो भी आपको आना चाहिए था निकालना 4 ओम। ठीक है, वैसे भी बच्चे बोलेंगे सर ये तो जब उड़ी जाता है तो 8 4 सीरीज 12, 4 2 सीरीज 6, 12 और 6 पैरेलल, वही तो सीखा था हमने अभी, 72/18, 4 ओम, वही तो आया। समझ रहे हो? कैसे भी कर लो आप, बस आपके मेथड सही होने चाहिए। और सब मैं बता चुका हूं पिछले एक दो लेक्चर्स में और आज के लेक्चर में, सब कुछ बता चुका हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालना, समझ में आ गया? बीच के वायर से कितना करंट जाएगा ये समझ में आया, 0 क्यों जाएगा वो समझ में आया, क्योंकि हमको देख के ही समझ में आ रहा था कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका, और व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब बीच के उससे कोई भी करंट नहीं जाता, चाहे वो वायर हो चाहे वो रजिस्टर हो। ये कोई डाउट? इक्विवेलेंट भी समझ में आ गया। अच्छा, इन अलग अलग से करंट पूछेगा, निकाल लोगे, बच्चों वाली चीजें हैं। 12 6, ठीक, आपस में पैरेलल, इक्विवेलेंट आया 4, ये 20 वोल्ट, तो टोटल करंट भेजेगा 5 एम्पियर, मतलब बैटरी करंट नहीं देती है, मतलब समझ रहे हो ना? तो 5 एम्पियर जाके डिवाइड होगा इसमें और इसमें। ठीक है, कितना होगा? 12 ये था आया था, 6 ये आया था, तो इसका रेजिस्टेंस डबल, तो करंट आधा जाएगा। ठीक है, अब जो भी आएगा उसको डिवाइड करके मैथ लगा के सॉल्व कर देना, कर लोगे। जो मेन क्वेश्चन है जो मैं सिखाना चाहता हूं आप लोगों को वो ये है, अनबैलेंस्ड व्हीट, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस्ड, वो मैं ये सिखाना चाहता हूं, अगर ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, इसको कल ही करेंगे, वैसे पूरा आज नहीं हो पाएगा, कुछ कल करेंगे इसका पार्ट। ये भी 4 ओम है और ये 2 ओम है, 4 ओम नहीं है। ठीक, और ये आपकी बैटरी लगी है, ये क्वेश्चन आया था जेई मेंस 19 में, एग्जैक्ट वैल्यूज ये हैं कि नहीं वो मुझे याद नहीं है, ऐसा ही मिलता जुलता था कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा था, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था। अनबैलेंस का मतलब समझ में आ रहा है? ये बाई ए का रेशो ये बाई ए के इक्वल नहीं है, ये बाई ए का रेशो 1 है, ये बाई ए का रेशो 2 है। अगर रेशो सेम होता तब तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तब तो बीच की वायर से कोई भी करंट नहीं जाता। पहला क्वेश्चन समझ में आया?
तो पहला क्वेश्चन था बीच की वायर से करंट बताओ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो वो तो हम पढ़ ही चुके हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। बीच की वायर से करंट जीरो, इक्विवेलेंट आपका वो जो भी आएगा। इसमें भी सेम क्वेश्चन, इससे करंट बताओ। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब बोल सकते हो पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनबैलेंस्ड। तो पहला पार्ट है आई की वैल्यू बताओ, फाइंड आई। आई मतलब मिडल वायर से करंट, क्या जाएगा कि नहीं? मैंने बताया था वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, ये दुनिया को पता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उससे करंट नहीं जाता है। बिल्कुल जाता है, इस केस में नहीं जा रहा है, तो इससे ये मत इंटरप्रेट कर लेना कि कभी वायर से करंट नहीं जाता है। तो आज तक पढ़े क्या हो तुम लोग, वायर से ही तो करंट जाता है हमेशा। इस केस में नहीं जा रहा क्योंकि ये कंडीशन ही वही है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो बीच की उससे कोई करंट जाता नहीं है, पर इस केस में जाएगा या नहीं वो तुमको चेक करना है। जीरो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, पर जीरो होगा या नहीं तुमको अच्छे से चेक करना, और मजा आ जाएगा अगर किसी ने क्वेश्चन कर लिया तो। कंसेप्ट वही है जो आज तक हम पढ़े हैं, इक्विवेलेंट निकालो, करंट वरंट डिवाइड करो, आपको खुद दिख जाएगा कितना करंट। और बी पार्ट है फाइंड आर इक्विवेलेंट, वैसे बी पार्ट पहले सोल्व करोगे, आर इक्विवेलेंट पहले तुम आराम से देख के निकाल सकते हो, अभी अभी तो सिखाया है, पॉइंट्स के नाम देते जाओ इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली इक्विवेलेंट किसके बीच में चाहिए तुमको, यहां और यहां के बीच में, तभी तो पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट आएगा। और टोटल करंट कितना आएगा, दैट विल बी वी बाय आर इक्विवेलेंट, और वही फिर डिवाइड करेंगे इनमें, और उसी से हमको पता चलेगा कि बीच की वायर से कितना करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। अरे आया समझ? तो पहला पार्ट है करंट थ्रू द मिडल वायर निकालो, दूसरा पार्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, दूसरा वैसे पहले होगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है, ट्राई करना, ये कल के लेक्चर में मैं कराऊंगा। और जो एक और मैंने क्वेश्चन दिया था आर आर के आर के आर के स्क्वायर आर के स्क्वायर, वो भी करना, वो कल के लेक्चर में नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, वो मंडे के लेक्चर में कराऊंगा। तो कल भी हम ये सर्किट्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोल्व करना। कल थोड़े बड़े बड़े सर्किट्स हम पढ़ेंगे जो कि मेंस एडवांस में आते हैं और आ भी चुके हैं और आते रहेंगे। ठीक है, फिर मंडे से हम स्टार्ट करेंगे बैटरी। मंडे के बाद लगभग 4 या 5 लेक्चर का काम है, ठीक है, ज्यादा बचा नहीं है। ठीक, मतलब ऑलमोस्ट आपका 22, 23 या 21 इसके आसपास खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मजेदार चैप्टर अच्छे से करो और सॉल्विंग करना इसकी स्टार्ट करो जिसने नहीं किया। ठीक, तो इसका होमवर्क है करना ट्राई, आई कितना आया, आर इक्विवेलेंट कितना आया। ठीक है, चल तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।